सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल PJ लक्ष्य क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक और ज़बरदस्त स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, वैकेंसी आ चुकी है और शानदार वैकेंसी रहने वाली है। पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा आपको, क्या क्या जो क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है और साथ साथ कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूँ, आज की जो लाइव क्लास है वो पोस्टपोन कर दी गई है, यानी कि आज लाइव क्लास आपकी नहीं होगी। कल जो है लाइव क्लास फिक्स 6:30 बजे जो है आपकी यथावत रहेगी, 6:30 बजते ही। चलिए आज की वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हेल्थ मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर चित्तूर की तरफ से ये वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट आ चुका है, रिक्रूटमेंट ऑफ द सेक्शन पोस्ट इन द वेरियस प्रोग्राम्स अंडर NHM। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट स्टाफ नर्स SNCU NCD RBSK और सिमोंग और जो है 24/7 PHCs। यहाँ पर 41 पोस्ट रहने वाली है। आपके पास क्या क्या डिग्री चाहिए आपको? GNM होनी चाहिए या फिर BSc नर्सिंग होनी चाहिए। ठीक है, 22,500 रुपये NHM रूल के अनुसार आपको सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन की 4 पोस्ट हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें DO की, तो यहाँ पर भी 4 पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर की 1 पोस्ट है। अटेंडेंट कम क्लीनर 1 पोस्ट। उसके बाद जो है कंटिजेंट वर्कर 2 पोस्ट, कुक कम केयर टेकर 1 पोस्ट, डेंटल हाइजेनिस्ट की 1 पोस्ट है, डेंटल सर्जन की जो है वो 2 पोस्ट यहाँ पर है। उसके बाद जो है NCD की तरफ से मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की बात करें तो यहाँ पर जो है 3 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद OBG स्पेशलिस्ट यानी गायनेकोलॉजिस्ट जो है 11। पेडिट्रिशियन की बात करें तो 3 पोस्ट है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट है। सिक्योरिटी SNCU में यहाँ पर 10th पास की 9 पोस्ट है। सोशल वर्कर की 1 पोस्ट है। सपोर्टिंग स्टाफ की जो है वो 6 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली। थिएटर असिस्टेंट की बात करें तो 16 पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट मैनेजर की 1 पोस्ट है। कार्डियोलॉजिस्ट की 1, फिजिशियन की 1। कुल मिलाकर बहुत ही शानदार ये वैकेंसी है और अच्छी खासी इसमें जो है आपको सैलरी भी मिलेगी। तो गाइज, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। डेट ऑफ नोटिफिकेशन की बात करें तो 16 फरवरी को नोटिफिकेशन आ चुका है, लेटेस्ट ये। लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है 23 फरवरी लास्ट डेट रहेगी आप ऑनलाइन अप्लाई करवाएंगे उसकी। फिर जो है प्रोविजनल लिस्ट जो है आपकी इसी मंथ की 28 फरवरी को आ जाएगी। और रीड्रेसिंग ग्रीवरेंस एंड पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट की बात करें तो वो 4 मार्च को आ जाएगी। और इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर यानी आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर 7 मार्च को आपके हाथ में होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्राइटेरिया और वेटेज की बात करें, 100 नंबर का जो पेपर है उसमें एग्रीमेंट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑल द ईयर्स ऑफ द क्वालिफिकेशन एग्जाम। GNM BSc नर्सिंग के टोटल ईयर्स हैं उसमें 75% मार्क्स आपको दिए जाएंगे और मैक्सिमम 10 मार्क्स वेटेज फॉर द नो ईयर सिंस पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद 15 जो है वो वेटेज फॉर द एक्सपीरियंस है तो 15 नंबर का अलग से आपको वेटेज मिलने वाला है। आ जाते हैं नीचे कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे अब। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट विजिट ऑफिशियल वेबसाइट dmhoctr.wixsite.com चित्तूर की जो है वेबसाइट, एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन शुड कम टू द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर चित्तूर ऑन और बिफोर द एबो मेंशन डेट। सबमिट द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन along with the following enclosure with self attested। यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, तो लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, SSC यानी 10th की मार्कशीट, इन केस ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन वहाँ पर जो है PH का आपके पास होना चाहिए, इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन आपके पास जो है उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टडी सर्टिफिकेट फ्रॉम द 5th to 10th फ्रॉम स्कूल। और उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इंटर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट इन जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, एग्रीमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑल द ईयर यानी सभी जो साल है GNM BSc नर्सिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर सभी की मार्कशीट आपके पास होने आने वाली। ठीक है, यहाँ पर फीस की बात करें तो SC ST SC और BC कैंडिडेट के लिए 300 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे अपन। ये रहेगा फॉर्म जो कि आपको फिक्स भर के ले जाना है। यहाँ पर सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट चीज़ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप स्टाफ नर्स के लिए कर रहे हैं तो स्टाफ नर्स, अदर पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो अदर पोस्ट का आप मेंशन करना है। बाकी सारी चीज़ें आपको जो है भर के इसमें सबमिट करनी होगी। तो गाइस कैसी लगी जानकारी वीडियो की कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे भारत की नर्सिंग से जुड़ी हर एक अपडेट आपको मिलती रहती है। अब बात कर लेते हैं इसका फॉर्म कैसे भरना है। द एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स मस्ट पे
बाई वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, यानी 300 रुपये की आपको DD कटवानी, किस नाम से? द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर चित्तूर के नाम से, इट एन नेशनलाइज बैंक, किसी भी नेशनलाइज बैंक के द्वारा। आपको ऑफलाइन अपना फॉर्म भेजना होगा, DD कटवानी है 300 रुपये की, किस नाम से ये इंपॉर्टेंट है, द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर चित्तूर, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपको PDF जो है PJ लक्ष्य क्लासेस के नाम से, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे जाएं, PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करें, वहाँ पर टेलीग्राम जो चैनल मिलेगा, जहाँ पर 4500 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। इसके अलावा वहाँ नहीं जाते हो तो PJ लक्ष्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर दोनों को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको जल्दी PDF मिल जाएगी। तो गाइज़ मिलते हैं अगले शानदार वैकेंसी के वीडियो में, थैंक यू सो मच।